हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव डेटा के बारे में, स्पेशली जब आज इतना अच्छा फॉल देखने को मिला है मार्केट के अंदर में, तो क्या ये फॉल के पीछे एफआईआई का हाथ है कि नहीं, या एफआईआई क्या पैनिक सेलिंग के मूड में गए हैं कि नहीं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो से। इंडिया विक्स से शुरुआत करेंगे, 21.62 पे काम कर रहा है, लगभग 4.19% का फॉल है, लेकिन अभी भी 21.62 यानी 22 के नीचे काम कर रहा है। मैं मानता हूं जब तक इंडिया विक्स 24 के नीचे काम करे, कंफर्टेबली काम करे, तब तक आपको बाउंस बैक होने के चांसेस रहते हैं, तब तक मार्केट के अंदर में पैनिक बढ़ने का चांसेस नहीं होता है। हाँ, इसे काउंटर करने के लिए आप ये भी बोल सकते हैं ये तो एक दिन का काम है, लेकिन वो एक दिन जाने तो दीजिए पहले, फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। निफ्टी के अंदर में 152 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला है और बैंक निफ्टी के अंदर में 484 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला है, बट ये रियल पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं। रियल में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर में ऊपर लेवल से 300 पॉइंट का और बैंक निफ्टी के अंदर में लगभग 1000 पॉइंट का फॉल देखने को मिला है। सो पॉइंट वाइज डेफिनेटली बुरी क्लोजिंग है, 15,000 के ऊपर क्लोज करके ये बढ़िया बात है, जब तक आप 15,000 के ऊपर है तब तक बाउंस बैक होने के चांसेस बने रहेंगे आपके। और बैंक निफ्टी के अंदर में 35,500 के नीचे की क्लोजिंग हो गई है, जब तक आप 35,000 के ऊपर रहेंगे तब तक बाउंस बैक बनने के पूरे चांसेस बनते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव डेटा के अंदर में भी कुछ ऐसे पैनिक सेल देखने को मिल रहा है क्या। शुरुआत करेंगे एफआईआई के लॉन्ग पोजीशन से। मार्केट जब यानी इंडेक्स जब 300 और 1000 पॉइंट गिरता है, उस टाइम पे एफआईआई का जो लॉन्ग पोजीशन है वो सिर्फ और सिर्फ 2.20% से नीचे आते हुए नजर आ रहा है, 58.63। इसका मतलब सही ढंग से देखा जाए परसेंटेज वाइज, चले मान लेते 2.20% फॉल है, लेकिन क्या इन्होंने रियलिटी के अंदर में कोई निगेटिव पोजीशन बनाया है क्या? बिल्कुल नहीं। लॉन्ग पोजीशन उन्होंने थोड़ा सा कम किया है, शॉर्ट पोजीशन थोड़ा सा बढ़ाया है, माइनर चेंजेस है, बहुत बड़े चेंजेस भी इसके अंदर में नहीं माने जा सकते। 2.20% का फॉल देखने को मिल रहा है लॉन्ग साइड में, लेकिन 58.63 जिस तरह का फिलहाल के दिनों के अंदर में मूवमेंट देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से तो कंफर्टेबल है। अगर आज के दिन में 6-7% गिरा होता तो मैं मानता था कि हाँ एफआईआई की चलते ये मार्केट के अंदर में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट ऐसा कुछ नहीं। एफआईआई का जो लॉन्ग पोजीशन है अभी भी 58.63 पे स्टैंड करता है, जो कि ठीक ठाक है, मैं इसे नेगेटिव नहीं मानता, मैं इसे न्यूट्रल ही मान रहा हूँ अभी फिलहाल। प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल से देखने को मिली, बट एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन कम होते हुए नजर अभी भी नहीं आई हुई है। डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात करें तो इंडेक्स के अंदर में 586 पॉइंट का सेल देखने को मिला, स्टॉक फ्यूचर के अंदर में बड़ा नंबर आया हुआ है, 1356 करोड़ रुपीस का सेल है। इंडेक्स गिरा 1000 पॉइंट, लेकिन 586 करोड़ रुपीस का सेल से बड़ा सेल हमने पहले भी दिखा हुआ है, 858 करोड़ रुपीस, 2262, 1893 करोड़ रुपीस का सेल, लेकिन उस टाइम पे इतना पैनिक नहीं देखने को मिला जितना पैनिक आज देखने को मिला हुआ है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिले हुए हैं, जहां पे थोड़ा सा व्यू नेगेटिव होता हुआ नजर आया है, पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूसली नेगेटिव नंबर्स ही देखने को मिला, जो कि थोड़ा सा व्यू नेगेटिव कर रहा है, लेकिन इंडेक्स को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव इंडेक्स फ्यूचर के हिसाब से तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कि ये जो सेल हुआ है उसके अंदर में अपना शॉर्ट बनाते हुए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। सो इंडेक्स फ्यूचर के हिसाब से अगर मैं बात करूं, और चलिए स्टॉक फ्यूचर भी अगर उसके अंदर में ऐड कर लेते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा व्यू जो है वो आपका न्यूट्रल से नेगेटिव की तरफ आता है, यहां पे व्यू। रीजन सिंपल मैं बता रहा हूं, स्टॉक फ्यूचर की वजह से मैं बता रहा हूं ये, इंडेक्स फ्यूचर में बिल्कुल भी मैं इसे नेगेटिव लेके नहीं जा रहा हूं। सेलिंग है, डेटा नेगेटिव है, पर बुरे नहीं है डेटा, जिसके दम पे आप 300 या 1000 पॉइंट गिर जाते थे। दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो लगभग आपको 1900 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है यहां से। इसके बाद में कैश सेगमेंट के अंदर में भी 942 करोड़ रुपीस का बिकवाली है, डीआईआई ने 163 करोड़ रुपीस की बिकवाली कर रखी हुई है। सो 942 करोड़ रुपीस की बिकवाली, 4 डिजिट के अंदर में भी बिकवाली नहीं, कोई बड़ी बिकवाली तो आते हुए नजर नहीं आई है, डीआईआई की तरफ से भी कोई बड़ी बिकवाली आते हुए नजर नहीं आई है। तो आज के डेटा में जो डेरिवेटिव या मैं बोलूं स्मार्ट ट्रेडर्स के जो डेटा है, माफ करिए स्मार्ट मनी के जो डेटा है, उस डेटा के अंदर में आपको कहीं पॉजिटिव नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, ये एक बात है, लेकिन नेगेटिव भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर एग्जांपल के लिए जस्ट देखा जाए तो यहां पे 513, 1800 एंड 5686 मिला के 1950 की बात कर लेते हैं, लगभग लोग मान के चले 2000 करोड़ की यहां पे बिकवाली हो गई है, 900 और 1000 सॉरी 900 एंड 100 लेके ये भी हो गया आपका लगभग 3100 करोड़ की, 3100 करोड़ की आपने बिकवाली कर दी आज के दिन में। लेकिन इससे बुरे दिन भी, इससे बेकार दिन भी आया था 5 मार्च को, जहां पे 2014
एंड देन 1130 जहां पे सिर्फ कैश के अंदर में इतनी बिकॉली की गई थी एंड उसके बाद में यहां पे थोड़ी बहुत बिकॉली देखने को मिली हुई थी। मार्केट इतना बुरी तरह इतना पैनिक सेल तो देखने को नहीं मिला था शायद से उस दिन 5 मार्च के दिन में, लेकिन जिस तरह से ये बिकॉली हुई ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि FII और DII ने यानी स्मार्ट मनी ने बहुत ज़्यादा इसके अंदर में बिकॉली नहीं की है, यानी कहीं ना कहीं इस डेटा के दम पे हम बोल सकते हैं कि मार्केट मंडे या ट्यूजडे को बाउंस बैक कर सकता है या मंडे या ट्यूजडे निफ्टी के अंदर में 15,200 प्लस के लेवल देखने को मिल सकते हैं और आपको एक बार फिर से 36K के ऊपर बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है, ये डेटा के दम पे बात किया जा सकता है। आप पुट कॉल रेशियो की बात करें, पुट कॉल रेशियो भी सपोर्ट कर रहा है 1.02 जो पिछले 10 दिनों में सबसे लोअर एंड पे काम करते हुए नजर आ रहा है, यानी शॉर्ट्स तो बने हैं और अगर किसी रीजन के चलते आप थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दे देंगे तो शॉर्ट कवरिंग आने के भी चांसेस बनेंगे आपके। तो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट दिख रही है आज के पूरे डेरिवेटिव डेटा के अंदर में, पहला अगर आप देखेंगे इंडिया विक्स 22 के नीचे काम कर रहा है जो कंफर्टेबल है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं बढ़ा है वहां पे। दूसरा FII ने अभी भी अपनी लॉन्ग पोजीशन को कम नहीं किया हुआ है और तीसरा पुट कॉल रेशियो 1.02 के ऊपर में जो कंफर्टेबल जोन पे है, 0.1 ये ले लीजिए या 0.90 इसके आसपास से एक बार आपको लॉन्ग्स बनते हुए शुरू होने चाहिए, लॉन्ग बनते हुए नजर आने चाहिए। सो ओवरऑल डेटा जो देखें, ये डेटा डेफिनेटली आज की डेटा जो है न्यूट्रल से निगेटिव की तरफ है, पर बुरे नहीं है और इन डेटा के दम पे बोला जा सकता है कि आने वाले 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर में निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में बाउंस बैक होगा, ये डेटा से क्लैरिटी मिल रही है। फिलहाल हमने कौन सा ट्रेड आज के दिन में लिया था, हमने एक लॉन्ग ट्रेड लिया हुआ है आज के दिन में जो कि फिलहाल लॉस में है, सिंस पोजीशन अभी भी ओपन है तो उसके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, ट्यूसडे तक ओपन रखेंगे फिर अगर उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा डेफिनेटली विल मेंशन इट हियर अगेन। एंड क्योंकि पोजीशन बड़ी बना ली है हमने उसके अंदर में डेफिनेटली, क्योंकि 2 लॉट नहीं उसमें 3 लॉट का आपको एग्जाम्पल मिलेगा, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो अच्छा प्रॉफिट होगा और लॉस हुआ तो अच्छा लॉस भी वहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। सो ओवरऑल ये हो गया डेरिवेटिव डेटा के बारे में, चार्ट के ऊपर में भी समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने किस तरह के यू नो पैटर्न्स बनाते हुए नजर आए और क्या बाउंस बैक रियल में चार्ट में इंडिकेट कर रहा है, किसी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास में है या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आने वाला वीक आने वाले एक्सपायरी के लिए जोरदार हो। गुड नाइट।